मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रही है सर्वदलीय बैठक खत्म। बैठक खत्म होने के बाद विधानसभा भवन से बाहर आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी के निधन पर जताया दुख। गोवर्धन सिंह दांगी की मौत पर कमलनाथ का बड़ा बयान, मध्य प्रदेश में लगाए इलाज को लेकर लापरवाही का आरोप। कमलनाथ ने कहा यहाँ की लापरवाही से गई उनकी जान, विधायक दांगी का चल रहा था भोपाल में इलाज, नहीं मिला सही इलाज। दांगी जी नहीं रहे, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की लापरवाही के कारण, यहाँ के अस्पताल के लापरवाही के कारण उनको दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। और जब दिल्ली शिफ्ट करे, दिल्ली के हॉस्पिटल में मुझे बताया कि उनको ताज्जुब है कि कितनी लापरवाही और कितना गलत इलाज यहाँ हो रहा था। तो दिल्ली में मेदांता में उन्होंने पूरा प्रयास किया, वो नहीं रहे। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, बड़ा दुख है। एक समाज सेवक थे, बहुत सरल स्वभाव के सीधे साधे व्यक्ति थे। इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के जनप्रतिनिधि हमारे आज की राजनीति में बहुत कम है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और दुख व्यक्त करता हूं। देखिए, हमने अभी सुनी है सब बातें, जहां कोविड की बात है, कोविड को ध्यान में रखते हुए जो संभव है, जो उचित है, हमने इस पर चर्चा करी है। केवल हम सहमत हैं बजट पर, बजट तो पास होना है, संवैधानिक आवश्यकता है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमने, हमारे सदस्यों ने प्रश्न दिए हैं, जो ध्यान आकर्षण दिया, इसका जवाब भी होए। सर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सर, क्योंकि कई लोग कोरोना पॉजिटिव, तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। चलिए सर, सर 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 ग्वालियर में आपका दौरा है सर? ग्वालियर में है।